बोर्ड परीक्षा की बात करते हैं, आपको ये बताएं कि यूपी बोर्ड ने परीक्षा के समय सारणी टाइम टेबल को जारी कर दिया है। हाई स्कूल और इंटर दोनों की संयुक्त परीक्षाएं होनी है। नमस्कार दोस्तों, 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस बार सभी राज्यों के टाइम टेबल को जारी करने को लेकर आदेश जारी हो चुका है। कई राज्यों ने तो टाइम टेबल जारी भी कर दिए हैं और कुछ राज्यों के टाइम टेबल आने की उम्मीद है। बहुत जल्दी ही सभी छात्रों के टाइम टेबल जारी कर दिए जाएंगे। इस बार यूपी बोर्ड समेत देश के कई राज्यों की बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत अच्छी खबर सामने आई है। इस बार देश के कई राज्यों में होने वाली बोर्ड परीक्षा फरवरी में आयोजित करवाने को लेकर नया आदेश जारी किया था, लेकिन छात्रों की मांग है 2023 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में सभी छात्रों को और टाइम देना चाहिए और बोर्ड परीक्षा फरवरी के बजाय मार्च या अप्रैल में आयोजित करवानी चाहिए। राज्य में लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोपों को देखते हुए आपको क्या लगता है, बोर्ड परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए या सिर्फ प्रमोट कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE जल्द ही एकेडमिक ईयर 2023 के 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर देगा। जो भी छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें डेट शीट CBSE एग्जाम 2023 डेट शीट चेक करने के लिए CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करना होगा। आपको जानकारी दे दें कि इस बार CBSE सिंगल बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा, यानी एकेडमिक ईयर 2022 की तरह दो टर्म में परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि CBSE ने यह कंफर्म कर दिया है कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम CBSE बोर्ड एग्जाम 2023 फरवरी के मिड में आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही वेबसाइट पर डेट शीट जारी कर दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। अब बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की। RBSE सेकेंडरी 10वीं और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर चुके लाखों छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट जारी हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2022 और 23 के दौरान 10वीं और 12वीं की अगले साल आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भर चुके छात्र छात्राओं को उनके आवेदन में सुधार का मौका दिया है। बोर्ड ने वर्ष 2023 के परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में रही कुछ त्रुटियों को सुधारने का परीक्षार्थियों को 10 नवंबर तक निःशुल्क अवसर दिया गया है। ऐसे में जिन छात्र छात्राओं को अपने राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 फॉर्म में संशोधन करना है वह आधिकारिक वेबसाइट BSER-exam.in पर संशोधन कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा फॉर्म 2023 आवेदन सुधार को लेकर बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने जानकारी दी है कि 11 प्रकार की पूर्व में भरी गई ऑनलाइन सूचनाओं में संशोधन किया जा सकेगा। इन सूचनाओं में शामिल हैं नंबर 1 पिता का नाम व माता का नाम, सिर्फ स्पेलिंग, नंबर 2 लिंग, नंबर 3 माध्यम, नंबर 4 BPL, नंबर 5 जाति श्रेणी, नंबर 6 पता व फोन नंबर, नंबर 7 अन स्पेशल कोड, नंबर 8 श्रेणी और नंबर 9 शैक्षणिक योग्यता और नंबर 10 फोटो तथा हस्ताक्षर और आखिरी नंबर 11वां पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक आदि। अपने बोर्ड से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप किस राज्य से परीक्षा देने वाले हैं अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम सबसे पहले आप तक जानकारी शेयर कर पाएं। वीडियो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।